गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज आपकी एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास है, यानी एग्रोनॉमी की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम डिस्कस किए थे क्रॉप्स तक। क्रॉप्स में हमने बताया था उसकी डिफिनीशन, फिर से हम रिपीट करते हैं क्रॉप्स की डिफिनीशन क्या है। पौधों का वह समूह जिसे किसान अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाता है वह क्या है, फसल कहलाती है। पौधों का वह समूह जिसे किसान अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाता है उसे फसल कहते हैं या वो फसल कहलाती है। अब फसल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे नंबर एक, ऋतुओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू सीजन। नंबर दो है आर्थिक आधार पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक। नंबर तीन है वनस्पतिक आधार पर अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल। नंबर चार है जीवन चक्र के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ क्रॉप्स। नंबर पाँच है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइज ऑफ क्रॉप्स। नंबर छः है प्रकाश अवधि के आधार पर अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड। क्या है फसल, फसल जानते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। क्रॉप्स क्या है, पौधों का वह समूह जिससे किसान अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाता है, फसल कहलाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण जो निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर एक है ऋतुओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू सीजन। नंबर दो है आर्थिक आधार पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। नंबर तीन है जीवन चक्र के आधार पर अकॉर्डिंग टू वनस्पतिक आधार पर अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल। नंबर चार है जीवन चक्र के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ क्रॉप्स। नंबर पाँच है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइज ऑफ क्रॉप्स। क्या है, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, ठीक। नंबर छः है प्रकाश अवधि के आधार पर अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड। हमने छः तरीके लिखाए हैं फसलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार से लिखा है, छः प्रकार के। नंबर एक है ऋतुओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू सीजन। नंबर दो लिखाया है आर्थिक आधार पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। नंबर तीन लिखाया है वनस्पतिक आधार पर अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल। नंबर चार लिखाया है जीवन चक्र के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ क्रॉप्स। नंबर पाँच लिखाया है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइज ऑफ क्रॉप्स। नंबर छः लिखाया है प्रकाश अवधि के आधार पर अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड, ठीक है। अब हम इस, डियर स्टूडेंट, हम आपको बता रहे थे अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के आधार पर। जैसे सीजन कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं, पहली हेडिंग थी अकॉर्डिंग टू सीजन यानी ऋतुओं के आधार पर। क्या है, सीजन कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक आता है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। नंबर दो आता है रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स। नंबर तीन आता है जायद की फसलें यानी जायद क्रॉप्स। खरीफ की फसलें पहले जानते हैं, खरीफ फसलें हैं क्या, यानी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वे हैं जिनकी बुआई कब करते हैं, जून जुलाई तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में। इस वर्ग की फसलों की बुआई जून जुलाई तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं, ठीक। इस वर्ग की फसल की बुआई कब करते हैं, जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। जैसे इस वर्ग की फसलों के लिए जब इस वर्ग की फसल की बुआई होती है तब हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और जब इसकी कटाई होती है तब हमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे जून जुलाई चल रहा है, ठीक, अभी क्या है, तापमान बहुत अधिक है कि नहीं है, जून जुलाई में तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। और यही चीज़ जब फसल पकने लगती है तब इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, मौसम शुष्क हो जाता है और टेम्परेचर ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इस वर्ग की फसलों की बुआई जून जुलाई तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं। जैसे कि खरीफ की फसलें अभी चल रही हैं, तो हमारी मेन क्रॉप्स क्या है, धान की क्या हो रही है भाई, बेरन पड़ी थी, अब लग रहा होगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, लोबिया, अरहर, ढेंचा इत्यादि, ठीक।
जैसे उड़द मूंग ये ऐसी क्रॉप्स है, ये दो क्रॉप्स, ये जायद की भी है और रवि की भी है, खरीफ की भी है, इसे हम बो सकते हैं कभी भी, ठीक। और मेन इसमें क्या है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, अरहर, ढैचा इत्यादि, उड़द मूंग। जैसे ढैचा कब बोया गया था, ढैचा धान की फसल लगने से पहले हम ढैचा खेत में बुआ देते हैं, और जब ये बड़ी हो जाती है फसल, एक डेढ़ महीने में तैयार हो जाती है, इसको ऐसे खेत में पानी भरकर या सूखी ऐसे जुटा देते हैं, उसके बाद पानी भरकर सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद कोई भी फसल हम लेते हैं खरीफ क्रॉप्स की, ठीक। उससे क्या होगा कि हमें ढैचे से हरी खाद मिल गई और फसलों की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होती है, ठीक। नंबर दो है रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स। इसमें क्या है, इस वर्ग की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई अप्रैल से जून में करते हैं, ठीक। कब करते हैं, अप्रैल से जून में करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है रबी क्रॉप्स में, इसकी फसल की जब बुआई होती है तब हमें टेम्परेचर कम तथा जब कटाई होती है टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, तापमान शुष्क होता है कि नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक तापमान कम होता है, और यही कटाई जब गर्मी में होती है अप्रैल जून में, फिर तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक। अब जैसे अब हम कह सकते हैं ये रबी क्रॉप्स क्या है, जाड़े की फसल है, और खरीफ क्रॉप्स क्या है, गर्मी की फसल है। अब आती नंबर तीन, जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स। ये क्या है, मैं इसको तो पहले जानते हैं हम, रबी और खरीफ दोनों के बीच की फसल है। इसकी बुआई मार्च से अप्रैल में करते हैं, कटाई दो से तीन महीने में फसल तैयार हो जाती है, और उसके बाद इसमें या जैसे सब्जी है तोड़ लेते हैं या कटाई कर लेते हैं, ठीक, मतलब फसल ही कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें क्या है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, खीरा आता है, ककड़ी आती है, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं, ठीक। अब समझ में आया, अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं, इसमें तीन प्रकार के हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में तापमान ज़्यादा होगा जब बुआई करनी होगी, और जब कटाई होगी तो तापमान कम चाहिए होता है, ठीक। इस वर्ग की फसल में मेन क्या है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, लोबिया, अरहर, ढैचा आदि। इस फसल की बुआई हम जून जुलाई में करते हैं, कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं। रबी क्रॉप्स में क्या है, इसमें जब बुआई होगी तब तापमान कम होगा, और कटाई होगी तो तापमान अधिक होगा। ये जाड़े की फसल है, और इसकी मेन क्रॉप्स क्या है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, बरसीम इत्यादि। क्लियर हुआ। अब नंबर तीन आता है जायद की फसलें, ये खरीफ और रबी दोनों के बीच की फसल है। इसकी बुआई हम मार्च अप्रैल में करते हैं, और कटाई दो से तीन महीने में जब फसल तैयार हो जाती है तो काट के, जैसे इसमें इस वर्ग में क्या क्या आता है, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जब ये तैयार हो जाती हैं उसके बाद मार्केट में हम बेच के मुनाफा कमा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम खेत खाली होता है। उसके अलावा जो जल्दी फसल तैयार हो जाए वही हम बो सकते हैं, क्योंकि हमें धान, गेहूँ या खरीफ की, रबी की भी फसल तो लगानी है भाई। अगर हमें तीन महीने में क्या मिल जाएगा, क्या तैयार हो जाएगा, यही कद्दू वर्गीय फसलें जैसे, और सब्जियां, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, भिंडी वगैरह, जो है क्या है दो तीन महीने में तैयार हो जाती हैं। उसके बाद हम किसान क्या करते हैं, या हम उसे ले जाके मार्केट में मुनाफा कमा लेते हैं बेच के, ठीक। अब क्लियर हुआ, चलो आज के दिन इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं तीसरी क्लास में, इसके आगे से। आज यहीं तक, थैंक यू क्लास।